जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से पाकिस्तान पहले से ही बौखलाया हुआ है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद इमरान खान के नेता और ज्यादा चिढ़ गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल गुलाम कश्मीर के मसले पर ही की जाएगी। किस मुद्दे पर बातचीत? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा, हमने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान देखा है, ये बताता है कि कश्मीर को लेकर भारत ने जो फैसला लिया है उसके बाद वे खुद को कठिन स्थिति में पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत विश्व समुदाय ने कश्मीर के हालत का संज्ञान लिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का ये बयान दिखाता है कि पाकिस्तान सरकार अभी भी मुखालफत में जी रही है, क्योंकि कुरैशी जिस सुरक्षा परिषद का नाम लेकर भारत पर निशाना साध रहे हैं उसी सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। सच्चाई ये है, सुरक्षा परिषद ने कश्मीर को लेकर कोई औपचारिक बयान तक जारी नहीं किया। कुरैशी ने कहा, कश्मीर पर पाकिस्तान की स्थिति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित है और ये आगे भी बनी रहेगी। कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के आधार पर और कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुसार ही तय किया जाएगा। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा में एक जनसभा में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने का जिक्र कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा था, हमारे पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दरवाजा खटखटाते हुए कह रहे हैं कि भारत ने गलती की है, पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर बात होगी। किस मुद्दे पर बात की? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं।